गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर में आज का टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है मास डिफेक्ट क्या है। मास डिफेक्ट क्या है? डिफरेंस है ना। किसी भी नाभिक को का जो असली वेट होता है वो जो हम पाते हैं वो, और उसके फॉर्मेशन के लिए जो जो पार्टिकल्स भाग लेते हैं उनका वेट हम अगर निकालते हैं तो दोनों के वेट में छोटा सा अंतर आता है, वही अंतर कहलाता है मास डिफेक्ट। तो अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मीन्स न्यूक्लियनों का टोटल मास, तो पहले हम उसका मास निकाल लिए किसका, न्यूक्लियन का, और फिर उसके बाद उस न्यूक्लियस को का मास निकाले जो न्यूक्लियस उन न्यूक्लियनों से बना हुआ है, ठीक है। फिर दोनों में हमने देखा कि कुछ अंतर दिखाई दिया, वही अंतर वही डिफरेंस क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट कहलाएगा। तो मास डिफेक्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब एट प्रोटॉन, इससे पहले फर्स्ट हमने बनाया था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो वहां पर सबका मास लिखवाया था कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, वो सब वहां पे था। यहाँ पे वही चीज हम रिपीट करेंगे। मास तो अब आठ प्रोटॉन है और आठ न्यूट्रॉन है। अब हम क्या करें, मास ऑफ एक प्रोटॉन प्लस मास ऑफ एक न्यूट्रॉन, क्योंकि हमको चाहिए टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मास ऑफ एक प्रोटॉन प्लस मास ऑफ एक न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन का मास है 1.00727 और एक न्यूट्रॉन का मास है 1.00866। तो इस तरह से एट प्रोटॉन और एट न्यूट्रॉन का मास जब हम निकालते हैं और दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आएगा जो मास, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियन जो आएगा वो आएगा 16.12752 AMU। लेकिन जब हम उसी न्यूक्लियस का वेट करेंगे तो हमें कार्बन 12 से कंपेयर करके जब हम निकालेंगे, इससे पहले भी हमने आपको कार्बन 12 का बताया कि वेट कैसे निकालते हैं, तो वहां से जो वेट हमको मिलेगा वो वेट मिलता है 15.99052। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एक्चुअल मास जो ऑक्सीजन एटम के नाभिक का है वो उसके जो एग्जैक्ट होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ दोनों में अंतर दिख रहा है, वही क्या है, मास डिफेक्ट है। तो मास डिफेक्ट इक्वल टू आपने क्या किया कि न्यूक्लियनों का वेट या मास माइनस एक्चुअल मास रखा और दोनों को सॉल्व किया, यहाँ से जो अंतर निकल के आया 0.1370 AMU, और यही 0.1370 AMU है, यही है मास डिफेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्चुअल में किसी भी न्यूक्लियस का मास क्या है और उसे बनाने के लिए जो कंपोनेंट भाग ले रहे हैं उनका मास कितना है और दोनों के मास में जो अंतर है वही कहलाता है मास डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, तो यहां से हम ध्यान देते हैं, बाइंडिंग जोड़ने वाली एनर्जी, एनर्जी तो आप समझते ही हो, न्यूक्लियस को जोड़ने वाली यानी न्यूक्लियस को बनाने वाली जो एनर्जी होती है उसे ही कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय द न्यूक्लियर पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मतलब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़कर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वही कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। इसलिए एनर्जी रिलीज की जा रही है कब, जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्वारा, क्लियर। या इसी का उल्टा भी कह सकते हैं कि एनर्जी नीडेड टू दिस इंटरग्रेटेड एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू इट्स कंपोनेंट, किसी भी न्यूक्लियस को तोड़कर उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी हमें चाहिए, किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए खत्म करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो चाहे ये एनर्जी या ये एनर्जी दोनों ही इक्वल होंगी, जितनी एनर्जी किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए उतनी ही एनर्जी उस चीज को तोड़ने के लिए भी चाहिए। तो अब यहां से हम देखते हैं
एट प्रोटॉन एट न्यूट्रॉन दोनों आपस में मिल गए और एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एट एट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 16 का न्यूक्लियस है, ये बना। इसमें एनर्जी रिलीज हुई और जो एनर्जी रिलीज हुई वो थी 127.6 MeV की, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसी का अपोजिट कि ये न्यूक्लियस जो है ऑक्सीजन एटम का न्यूक्लियस, वो उसको इतनी एनर्जी दे दी जाए कि उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस को छोड़कर भाग जाएं, दोनों अलग अलग हो जाएं, तो वो एनर्जी कितनी होगी 127.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्ट उतनी एनर्जी अगर उसके न्यूक्लियस को दे दी जाए तो वापस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री हो जाएंगे, उनके बीच में जो फोर्स है वो खत्म हो जाएगा और न्यूक्लियस का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है, या न्यूक्लियस का फॉर्मेशन में जो एनर्जी काम आती है, रिलीज होती है, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, या दूसरा कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे भी बाइंडिंग एनर्जी ही कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। देखते रहिए मेडिकल केमिस्ट्री विद मी, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।